सभी लोगों को एक बात कहना चाहिए कि हमारे मन में उनके प्रति जो व्यक्ति भी है, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है कि हमारा साथ ऐसे भी जो आप दोनों का आशीर्वाद करेंगे। और मैं अपने ये अपना आभार धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपना कीमती समय निकाला और इस कार्य को किया। मैं कोई भी देखिए, मैं अमेरिका से आई हूँ और मैं न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। विषय मेरा हिंदी है। वाणिज्य के बारे में मुझे कुछ पता तो ज़रूर था और वहाँ GST के बारे में भी, लेकिन जिस प्रकार विद्यार्थियों के बीच में सब लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए वो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि विद्यार्थी भी लाभान्वित ज़रूर होंगे। ऐसा हाँ, आज हमारे प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। हमारे तो क्या कहें, हमारे तो मोदी जी सब कुछ है, लेकिन अब हमारे देश से आ रहे हैं और नमस्ते ट्रंप करके उनका सम्मान लोग कर रहे हैं, इससे हमें भी थोड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं, इंडिया वाले किस तरीके से वेलकम करेंगे, कितना एक्साइटेड हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन जब वो अहमदाबाद में आ रहे हैं तो अमेरिका भी आधा गुजरात तो है ही है, इसलिए उनका सम्मान करेंगे ही, मोदी जी का की प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल रखेंगे। और वहाँ पर ट्रंप क्या कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ क्या कहते हैं ये बाद में पता चलेगा क्या कहते हैं। खुश होके जाइए। सर, आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी इसके बारे में बताइए। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ए सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम, ये जो है आज के सेमिनार का विषय रहा है। और जैसा आप जानते हैं, विश्व में बिना GST को लागे हुए व्यापार और इकोनॉमिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। GST का एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस पूरे समाज में होनी चाहिए। ये तीनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। एक तरफ तो कंज्यूमर के लिए ये टैक्स की लाइबिलिटी कम करता है, उसका बर्डन कम करता है। दूसरी तरफ सरकार के लिए इसको कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली कम आती है। और तीसरी बात यह है कि इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है, ईमानदार व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा, बेईमान लोग पकड़े जाएंगे, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। इन द लॉन्ग रन इसका बहुत फ़ायदा होगा और इसको धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। कंप्यूटर की ट्रेनिंग सरकार को विशेष रूप से इन व्यापारियों को देनी चाहिए, जिनको कोई दिक्कत हो रही है उनको फ्री ट्रेनिंग की व्यवस्था प्रदेश में करनी चाहिए। और ट्रेनिंग केवल नाम मात्र की ट्रेनिंग ना हो, वो तो वर्तमान में भी हो रही है, इफेक्टिव ट्रेनिंग दी जाए, एक्सपर्ट लोगों से दिलाई जाए, हम लोगों से सलाह मशवरा करें और फिर दिलाई जाए, तो व्यापारी इसका विरोध नहीं करेंगे, व्यापारी का भी इसमें फ़ायदा।